हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ क्लास सेकेंड का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर रीड करवाऊँगी और उसे एक्सप्लेन करूंगी ताकि बच्चा चैप्टर को आसानी से समझ सके। अगर बच्चा चैप्टर आसानी से समझेगा तो ही वह चैप्टर्स के संबंधित सारे क्वेश्चंस, आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर को समझाने के बाद, इस चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के बाद क्लास सेकेंड ओलंपियाड एग्जाम की प्रैक्टिस सीट भी लेकर आऊँगी, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए कंप्यूटर्स स्कूल सिलेबस और ओलंपियाड सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसीलिए चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं इससे हर चैप्टर वाइज ओलंपियाड एग्जाम सेकेंड की प्रैक्टिस सीट लेकर आऊँगी ताकि बच्चा अच्छे से उसको सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर इन्वेंटेड बाय मैन। कंप्यूटर जो है मनुष्यों के द्वारा खोजी गई आश्चर्यजनक चीज़ों में से एक बहुत ही ग्रेटेस्ट, खूबसूरत, आश्चर्यजनक चीज़ है। इट हैज़ गिवन सच ए गुड इम्पैक्ट, यह बहुत अच्छा प्रभाव डालता है एंड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ वर्क, हमारे काम करने के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इट्स स्पेशल फीचर्स मेक इट, इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स बनाए गए हैं इम्पॉर्टेंट इन आवर एवरी डे लाइफ, जो हमारी लाइफों की, जो हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए होते हैं। Nowadays, computer is used everywhere such as school, homes, office, shop, bank, hospital, railways, airport, etc. आज के समय में कंप्यूटर का यूज़, प्रयोग प्रति जगह, सभी जगह पर हो रहा है, चाहे वह स्कूल हो, घर, ऑफिस, दुकान, बैंक, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, सभी के लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। थ्रू इट इज़ अ वंडरफुल मशीन बट इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इसलिए यह बहुत ही आश्चर्यजनक मशीन है लेकिन यह खुद काम नहीं करता है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड मैन। नंबर 1, मैन इज़ ए लिविंग बींग्स, मनुष्य एक लिविंग बींग्स है, कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 2, मैन टेक्स कंसीडरेबल टाइम टू डू अ टफ जॉब, कंप्यूटर डज ऑल वर्क ए वेरी फास्ट, इट कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड। मनुष्य जो है हर एक समय में एक टफ जॉब कर पाता है, एक साथ बहुत सारे जॉब नहीं कर पाता है, जबकि कंप्यूटर जो है सभी काम को बहुत फास्ट करता है और बहुत बड़े नंबर्स के कैलकुलेशन भी ये फ्यू सेकंड में कर लेता है। नंबर 3, मैन हैज़ स्मॉल मेमोरी, मनुष्य के पास थोड़ी सी मेमोरी होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी मेमोरी होती है, बट कंप्यूटर्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी लार्ज, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि कंप्यूटर्स के पास बहुत सारी लार्ज मेमोरी होती है और उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर कर रखता है। जैसे आप देखते हो कि मनुष्य को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है लेकिन कंप्यूटर्स को वो सारी चीज़ें याद रहती है। नेक्स्ट नंबर 4, मैन इज़ फॉरगेटफुल, मनुष्य जो है कोई चीज़ को भूल जाता है, बट कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स, लेकिन कंप्यूटर जो है कोई चीज़ को नहीं भूलता, इट कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी, वो अपने मेमोरी में सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, और वह हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वो कभी भी गलती नहीं करता है। नंबर 5, मैन कैन मेक मिस्टेक्स,
मनुष्य गलती कर सकता है। जैसे मान लो आप सम बना रहे हो, टेबल लिख रहे हो, तो आपसे गलती हो सकती है, गलती हो जाती है ना। लेकिन कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, इट गिव्स करेक्ट रिजल्ट। लेकिन कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं होती है, वो हमेशा करेक्ट रिजल्ट देता है। नंबर 6, अ मैन इज एबल टू टेक हीज डिसीजन हिमसेल्फ। मनुष्य जो है अपने डिसीजन खुद करता है, ठीक है। कोई भी काम करना होता है उसे वो खुद सोचकर करता है, जबकि अ कंप्यूटर कैन नॉट डू सम, इट वर्क्स अकॉर्डली टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मैन। जबकि कंप्यूटर अपने आप कुछ भी काम नहीं करता है, इसे जो है हमेशा इंस्ट्रक्शन, अर्थात जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, तो हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट 7, अ मैन इज इमोशनल। मनुष्य जो है भावुक हो जाता है, ठीक है। कभी उसे गुस्सा आता है, कभी उसे प्यार आता है, कभी उसे हंसी आती है। ही कैन थिंक एंड हैज फीलिंग, वह सोच सकता है और कुछ महसूस करता है। देयर फॉर ही एक्सप्रेसेस लाइक एंड डिसलाइक, वह बहुत सारी चीज़ को लाइक करता है, डिसलाइक करता है। जैसे आप कोई चीज़ खाते हो तो आपको कोई चीज़ पसंद आता है, कोई चीज़ नहीं पसंद आता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर कोई भी चीज़ नहीं सोच सकता है और ना ही कोई वो फीलिंग कर सकता है कि उसे कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी चीज़ नहीं पसंद है। नेक्स्ट 8, ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए मैन टू वर्क, कंप्यूटर वर्क्स ऑन ऑर्डर। मनुष्य को कोई भी काम करने के लिए ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए ऑर्डर की ज़रूरत होती है। अर्थात हम कंप्यूटर को जैसा बोलते हैं उसी के अनुसार कंप्यूटर काम करता है। जैसे कंप्यूटर्स को अभी हम सम करने के लिए बोलते हैं तो हम सम वाले ऑप्शन खोलकर वो सम करेगा। अगर हमको कंप्यूटर पर ड्राइंग करना है तो कंप्यूटर पर हम ड्राइंग शीट करके ड्रॉ करने बोलेंगे उसे, तो हमारे इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो ड्रॉ करेगा। 9, मैन कैन डू वन जॉब एट ए टाइम। मनुष्य एक समय में एक ही काम करता है। और कंप्यूटर कैन डू मेनी जॉब एट वंस, जबकि कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे मान लो एक समय में अभी आप सिर्फ पढ़ने का काम कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ सकते हो, दूसरे काम नहीं कर सकते, जबकि कंप्यूटर कैन डू मेनी जॉब्स एट वंस, जबकि कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। 10, मैन गेट्स टायर्ड एंड नीड रेस्ट। मनुष्य जो है थक जाता है बहुत सारे काम करके और उसे आराम की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, जबकि कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है और वो लंबे समय तक वह काम करता रहता है। 11, मैन कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ हिज एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट, कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी सच रिस्ट्रिक्शन। मनुष्य जो है बहुत सारे काम करता है, जैसे हर काम में जो व्यक्ति एक्सपर्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट और इंटरेस्ट लोग उस फील्ड में काम करते हैं। जैसे मान लो जो स्पोर्ट्स में जो है अच्छे होते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है, जो स्पोर्ट्स खेलने में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, धोनी, वो सब स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, तो वो चीज़ खेलते हैं उस क्षेत्र में, लोग उनको देखना पसंद करते हैं और इंटरेस्ट आता है उनको देखने में, क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। जबकि कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी सच रिस्ट्रिक्शन, जबकि कंप्यूटर के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती है, वह सभी फील्ड में वर्क कर सकता है। 12, मैन डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डूइंग वर्क, मनुष्य को काम करने के लिए किसी भी बिजली की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि कंप्यूटर जो है नहीं काम करेगा बिना बिजली के। यानी कंप्यूटर पर हम वर्क तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से अटैच ना करें। अब हम देखेंगे व्हाई इज द कंप्यूटर अ सुपीरियर एंड स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर को सुपीरियर और स्मार्ट मशीन क्यों कहा जाता है। देयर आर वेरियस फीचर ऑफ कंप्यूटर विच मेक इट सुपीरियर एंड स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके कारण कंप्यूटर्स को सुपीरियर और स्मार्ट मशीन कहा जाता है। जैसे एक कंप्यूटर है और ये इतने सारे काम एक साथ कर सकता है, जैसे हैज स्पीड, हैज एक्यूरेसी, हैज वर्सेटिलिटी, हैज डेलीजेंस एंड हैज स्टोरेज कैपेसिटी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 1, क्या है हैज स्पीड। कंप्यूटर हैज स्पीड।
स्पीड में हम जानते हैं कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन लेजर टाइम्स, यानी कंप्यूटर बहुत ही जल्दी कम समय में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट बहुत ही हाई स्पीड से करता है। सेकेंड है आपका एक्यूरेसी, हैज़ एक्यूरेसी, अ कंप्यूटर हैज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, यह हमेशा एक्यूरेट यानी सही रिजल्ट देता है। When wrong instruction are given to computer, it gives wrong result. अगर हम उसको instruction गलत देंगे तो ही वह wrong result देगा, नहीं तो हमेशा वो क्या है, हमेशा सही result देता है। जैसे suppose मान लो अगर हम उसको plus करने के लिए sign लगाते हैं तो हमेशा वो instruction सही दे रहे हैं, plus का sign लगा रहे हैं तो हमेशा वो plus करके ही बताएगा। लेकिन अगर हम उसे plus देना plus करके बताना चाहते हैं और sign वहाँ पर अगर हम minus का लगाएंगे तो ही वह wrong answer दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी, वी कैन स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स मेमोरी विच कैन बी रिकॉल एट एनी टाइम व्हेन एवर रिक्वायर्ड। कंप्यूटर के पास बहुत सारा लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा जा सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी मेमोरी होती है और जब भी हम चाहें किसी भी समय जब हमको इसकी ज़रूरत होती है तो उसको हम रिकॉल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीजेंस, इट कीप्स ऑन वर्किंग कॉन्टीन्यूसली विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड टायर्ड। ये बहुत डिलीजेंस होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर कंप्यूटर जो काम करता है वो बिना बोर हुए बिना थके हुए कॉन्टीन्यूसली यानी लगातार वो काम करते रहता है। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर आर यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एवरी फील्ड। कंप्यूटर का प्रयोग जो है हर कहीं और हर क्षेत्र में होता है। इट इज़ सेड टू बी वर्सेटाइल मशीन, इसीलिए इसको वर्सेटाइल मशीन कहा जाता है क्योंकि वह एक ही समय में एक ही कंप्यूटर से जगह जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है। जैसे कहीं पे बैंक में कंप्यूटर के द्वारा काम होता है, कहीं घर में काम किया जाता है, कहीं स्कूल में काम होता है। तो क्या होता है, कंप्यूटर एक होता है और वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम उसकी ज़रूरतों के अनुसार करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स के प्रकार पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज टू बी डिफरेंट वर्क, विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग काम होते हैं। अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज कंप्यूटर कैन बी थ्री टाइप्स, साइज और शेप के आधार पर कंप्यूटर के तीन प्रकार होते हैं। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, एज ए नेम सजेस्ट इट इज केप्ट ऑन अ टेबल एज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है जिसको हम यहाँ पर आप देख रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको टेबल पर रखा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर या पीसी, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं और पीसी भी कहते हैं। अ मॉनिटर, अ सीपीयू, अ कीबोर्ड एंड अ माउस आर द मेन पार्ट्स ऑफ पीसी। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, ये हो गया सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ये चार चीज़ कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर आर हैवी एंड आर डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, भारी होता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह पर हम लेकर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया लैपटॉप, दिस इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड कैन बी केप्ट इन आवर लैप। डेस्कटॉप के कंपेरिजन में यह छोटा होता है और इसको हम अपने गोद में भी रख सकते हैं। इट इज़ ईजली टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज इट इज़ लाइट वेट, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्योंकि वह इनका वेट बहुत लाइट होता है, कम होता है। इट इज़ ए स्मॉलर इन साइज, ये छोटे साइज में होता है और इट वर्क्स ऑन अ बैटरी, और ये बैटरी से भी काम करता है। नेक्स्ट हो गया पाम टॉप, इट इज़ सो स्मॉल इन साइज डैट इट कैन बी केप्ट ऑन आवर पाम। यह लैपटॉप से भी छोटे साइज का होता है और इसको हम क्या करते हैं, हथेली में भी, ये क्या होता है हथेली, हथेली में भी हम इसको रख सकते हैं। लाइक ए लैपटॉप इट आल्सो वर्क ऑन बैटरी, यह भी जो है ये देखिए हमारा है पाम टॉप जिसको हम हाथों में रख कर भी काम कर सकते हैं, और यह भी लैपटॉप के समान ही इसमें भी हम बैटरी से चलता है। अब की नोट्स, ये पूरे चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, अब इसके टू द मेन पॉइंट से इसको हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज स्मार्ट मशीन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से रन करवाते हैं, चलाते हैं। कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम मैन एंड ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर जो है मैन या ह्यूमन बींग से अलग होता है। कंप्यूटर कैन बी यूज टू वेरियस फील्ड सच एज़
in school, homes, banks, shop, hospitals, offices, railway, airport, etc. कंप्यूटर का हम विभिन्न क्षेत्रों में यूज करते हैं, स्कूल, घर, बैंक, शॉप, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट आदि जगहों पे। कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर क्या है, कुछ भी नहीं सोच सकता है और उनकी कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। According to the size and shape, computer can be three types of desktop, laptop, palm top. According size or shape के आधार पर computer को हम तीन भाग में बांटते हैं, desktop, laptop and palm top. और desktop computer is also called a personal computer or PC. Desktop computer को हम personal computer भी कहते हैं या short form में इसको PC भी कहते हैं। हेलो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा